सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये पसीना नहीं है, पानी है, क्योंकि मैं अभी जस्ट फ्रेश होकर आई हूँ जी। आज है रक्षाबंधन, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से और परी की तरफ से भी। जी हाँ, ये कौन है पता है? भावना को आपने देखा होगा, ये उसकी छोटी बहन है। और पहले ना वो मेरी हमारे पड़ोसी थे, और जब हम इस घर में आए थे तो वो हमारे पड़ोसी थे, फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी और आ भी गई। ये देखो, इसलिए हम अपने दरवाजा कभी लॉक नहीं करते, क्योंकि इन्होंने मैं आ जाती हूँ क्योंकि ये कहती है हमारा आवन जावन चला रहता है, तो बंद मत किया करो। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर ले आओ तशरीफ। ओहो, तो इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दूँ। जब हम यहाँ आए थे तो ये पहले हमारी पड़ोसी थी, पहले मैं बात हमारी बात नहीं होती थी। हाँ, पहले ये हमारी पड़ोसी थी, उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बने। और कल हम राखी लेने गए थे तो इसने ये कहा था कि मैं आपको राखी बांधूंगी, तो ऑफिशियली या ऑफिशियली या अनऑफिशियली आज हम बहनें बन जाएंगे। हम बहनें बन जाएंगे हाँ, क्योंकि मुझे राखी बांधेगी आज, हम ऑफिशियली बहनें बन जाएंगे। और परी तो मेरी शुरू से ही बहन है, शुरू से ही मुझे बहुत प्यार से दीदी कहती है। और इसको बड़ी जेलसी होती है कि मैं इसको प्यार करती हूँ। भाई वो ज़्यादा क्यूट है ना, कमेंट में बताना कि गाइस ये लाइन काट दी जाएगी। नहीं, मैं एडिटिंग करूंगी, क्यों काट दी जाएगी? तो हम कहना ये चाहते हैं कि अभी मैं जाऊंगी मार्केट, मार्केट में ब्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं ये मुझे अभी नहीं पता। गिफ्ट लाने हैं कुछ लोगों के लिए गिफ्ट लाने हैं, ठीक है। और मम्मी भी दीदी के लिए सूट लाएगी, क्योंकि दीदी भी वो मम्मी को ऑफिशियली बहनें बन जाएंगी। वो तो पहले से ही बहनें हैं, मतलब मम्मी और मतलब दीदी का ना शुरू से ही बेस्ट फ्रेंड वाला सीन ही हो, एक दूसरे को पहले से ही बहने कहती है। बट आज हमारा टाका बाद में भिड़ा है, पहले उनका भिड़ चुका था। हाँ, और दीदी तो मेरी फेवरेट है, इन दोनों से ज्यादा मुझे दीदी से प्यार है ऑफिशियली बताऊं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मासी जैसा रिलेशन, बहुत प्यार करती है ना, अपनों जैसी फीलिंग। आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं, ये कुछ हो रही है कि मेरी कर रही है। परी भी बहुत अच्छी है ना, परी है ना, कह दो बता दो कौन ज्यादा प्यारा है, कहो मैं। मुंह हमारे गजब बेइज्जती है। चलो तो हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, मार्केट से जब मैं आ जाऊंगी तब मिलूंगी, ठीक है, जल्दी आना। और तो ये जो फूड है भाई, आज हमारी दीदी के घर पे दावत थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, जैसे सुबह बताया था रायता। हाँ, तो ये दोबारा से दीदी अभी रायता देने आई थी तो ऐड भूल गई थी। तो ये सब हमारा लंच है, क्योंकि उन्होंने कहा था खाना यहीं पे खाना हमारे साथ, बट अभी बहुत सारे मेहमान हो रहे हैं, तो दीदी ने कहा चलो मैं यहीं पे देकर चले आती हूँ। और हम अभी हमें मार्केट भी जाना है, तो खाते हैं और फिर चलते हैं। गाइस, घर में आ गई हूँ और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना बाहर का, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वो हम पहले ही घर आ गए, कहीं बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो जाती है। नहीं, अभी नहीं हुई, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ, और आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, सुंदर सा बच्चा भी दिखाती हूँ। गाइस, मौसम कितना खूबसूरत होता है, हसीन जमील शकील मौसम हो रहा है, और यह मेरा हसीन जमील शकील बच्चा भी बेटा चौथा सा नोनी कि यहीं बैठा रहता है। जब मैं उसे बाहर जाकर आवाज़ देती हूँ ना, तो यहीं से मुझे रिप्लाई करता है, माऊ नोनी नोनी। मेरा सुंदर सा बच्चा, कितना सुंदर है, सेम माशाल्लाह गाइस। आज तो ये सोने पे ही लगा हुआ है, सोने पे ही लगा हुआ है, सोने पे ही लगा हुआ है, बात ही नहीं कर रहा, देख कितना सोने में बिजी है। चलो सोने देते हैं, मैं आपको जो सामान गिफ्ट वगैरह लाई हूँ वो दिखाती हूँ। ऐसा इसका स्टॉल आया, तो मम्मी वैसे भी दूसरा लाएंगे, तो आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताना। ओके, इसका हमें इंतज़ार तो वो आ गया है, ये आ गई है, इनके लिए सूट मैंने पसंद किया था, मतलब कलर इन्होंने पसंद किया था, मैंने कहा था कि लखनवी कुर्ता बनाना है और इनकी फुल लुक दिखा। ये अच्छा सिला है, ये मेरे को इतना बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इनकी चॉइस है, क्योंकि आज ये पंजाबी कुड़ी बनी हुई है ना। चलो, हमारी मैडोना की फुल लुक पंजाबी कुड़ी बनी हुई है, बहुत है ना, तो ये बहुत पसंद आया था, हम दोनों की पसंद थी है। तो अभी ये क्या लाई हो? ये है कुछ और गिफ्ट तो मैंने आपको दिखाई दिए जो मैं पूजा के लिए लाई हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ कि तुझे पसंद नहीं आया तो हम चेंज करने चलेंगे, एक राउंड मारेंगे, लेकिन ये मुझे मौका ही नहीं दे रही, हम सिलमपुर घूमने जाए के लिए ऐसे चलेंगे, लेकिन उसको पसंद आया। चलो, बहुत अच्छा है। और ये राखी लाई है, दीदी भी आ रही है, दीदी मम्मी को राखी बांधेगी है ना, तब तक मैं बंधवा लेती हूँ। चलो आगे तो होकर बैठ थोड़ी। ये
बंद गई हम लोग बंद गए तो राखी बन गई हमें हमारी कंगन वाली राखी है और ये नीचे है ये आपसे पूछा नहीं मैंने ये मैं दे रही हूँ ये मेरा गिफ्ट है और अब निशा लाएगी इसको बहुत पसंद आया मैंने सोचा था चेंज करूंगी लेकिन अभी हमारे ना रैपिंग नहीं है क्योंकि हमारे में रैपिंग चलती नहीं है इतनी तो हम पहले दिखा देते हैं और हमने थोड़ी सी चीटिंग कर ली जब मैं लेने गई थी मैंने इसको दिखाया था हाँ वीडियो कॉल कर ली थी बट समझ में नहीं आया थैंक यू दीदी बांधेगी ऐसे ही हमारा प्यार बना रहा है टच वुड इंशाल्लाह रखिया को राखी बांध रही है पूजा ये वाला सही है कड़े वाली वो मैंने आप ही के सामने ली थी ना हाँ मुझे नहीं पता था मगर मेरे लिए लिए पसंद आ गई थी वो हाँ और ये राखी भी हम ही लेकर आए हैं रात 2 घंटे जाम में फंस कर गले तो मिलो जैके तो ऐसे ही पूजा के हेयर स्टाइल करती रहती है पूजा के लिए इसको भी राखी बांध देती हाँ आज इसकी तबीयत भी खराब थी ये बहुत केयरिंग है और मतलब बहुत ज्यादा मुझसे कम ये भी बोलो मुझसे आपसे कम हाँ मुझसे कम अच्छी बॉन्डिंग है तीनों की तो हम तीनों की माशाल्लाह नजर ना लगे किसी की भी हाँ टच वुड हाँ ये रहा वुड टच वुड ठीक है चलो अभी दीदी आ रही है ये हमारी ये दीदी आप फिर से डायलॉग बोलना वाला सॉरी कोई बात नहीं आज से ना तुम दोनों वो बन गई हो बहने ठीक है ना दीदी हाँ रिश्ता तो है कोई नहीं कबूल ये होता है बॉन्ड रियल बॉन्ड तो ये तेरा फेक था तू जा तू घर जा मेरा पुत्र तो छुट्टी कर ये है रियल बॉन्ड जो दीदी को मम्मी ने सूट दे दिया है दीदी मना कर रही है दीदी क्या कर रहे हो आप मना फिर डांट भी पड़ गई एकदम तू मेरा बता तू तो छुट्टी कर तू छुट्टी कर अच्छा नहीं लग रहा दीदी ये नसीब है दीदी ये नसीब है देखो वो हाँ वो बहुत मतलब वो है दीदी इमोशनल हो रही है चलो अभी हम मिलते हैं तो The next day. Guys, बस यही था आज का ब्लॉग और कल रात तो भाई मैं थक गई थी बातें शाते की और फिर मैं सो गई तो अभी मॉर्निंग में उठकर मम्मी ने चमती की है तो मैं सोचा ब्लॉग का एंड ही कर लेती हूँ तो आप आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा कैसा लगा आपको बताना ज़रूर और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक और नई मासी बन गई एक और नई खाला बन गई एक और नया रिश्ता बन गया और रिश्तेदारी बढ़ गई तो चलो मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जिन्होंने कर रखा उनका दिल से शुक्रिया अल्लाह हाफिज़